फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशेरी रसोई। आज मैं आपके साथ गन पाउडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गन पाउडर से इडली डोसे का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गन पाउडर स्पेशली हैदराबाद की स्पेशलिटी होता है। वहाँ ये आमतौर पर सब घरों में बनाया जाता है और आज मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी स्पॉट इडली की रेसिपी शेयर करी थी, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। किसी भी डोसे या इडली के टेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल पाउडर होता है जिसका नाम होता है गन पाउडर, और उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी ये 30 ग्राम सूखी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ली है उड़द की धुली हुई दाल और जिसे मैंने वॉश नहीं किया है, और 1 टीस्पून ली है चने की दाल और इसे भी वॉश नहीं किया है, 1 टीस्पून चावल, 25-30 करी पत्ते, 1 पिंच लेंगे हींग, 1 टीस्पून काली मिर्चें या 20-25 काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून लिया है कोकोनट पाउडर यानी गोले का बुरादा, और ये किसी भी पंसारी पर आराम से मिल जाता है। और गन पाउडर को एक खट्टा टेस्ट देने के लिए मैंने लिया है एक छोटा सा टुकड़ा टाटरी का, ये एक काली मिर्च के दाने के बराबर है। और सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक भांति पैंदे की कढ़ाई रख दी है, और जैसे ही पैन हल्का सा गर्म होता है हम उसके अंदर ये उड़द की दाल डाल देंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और कुछ सेकेंड इसे गर्म करने के बाद हम इसमें ये चने की दाल डाल देंगे, और इसमें हमें किसी ऑयल वगैरह का यूज नहीं करना है, हम इन्हें सूखा ही भूनेंगे। साथ ही हम ये चावल भी डाल देंगे। मैंने उड़द की दाल, चने की दाल और चावलों को एकदम लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, और इसी समय हम इसमें ये सूखी हुई लाल मिर्चें गिर देंगे। साथ ही करी पत्ते भी डाल देंगे। मैंने करी पत्ते और लाल मिर्चों को 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। इसी समय हम ये काली मिर्चें डाल देंगे, ये हींग डाल देंगे। मैंने इन सभी मसालों को और दालों को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूना है, और ये अच्छे से भून गए हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और लास्ट में हम ये कोकोनट पाउडर यानी गोले का बुरादा डालेंगे। गोले का बुरादा लास्ट में डालेंगे वरना बुरादा जल जाएगा और पाउडर का कलर काला हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बस अब हम इसे 30 से 40 सेकेंड और गर्म करेंगे, और अब कोकोनट पाउडर का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और जैसे ही ये मसाला थोड़ा सा ठंडा हुआ मैंने इसे मिक्सी के जार में पलट लिया है। इसी समय हम इसमें ये टाटरी डाल देंगे और इन सब चीजों को एक साथ पीस लेंगे, और मसाला मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, और आप चाहें तो इसे जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल सकते हैं, जिससे हमें इसमें बाद में कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं रहेगी। और बस एक बार और मिक्सी को चला लेंगे जिससे नमक अच्छे से मसाले में मिल जाएगा। हमारा ये एकदम चटपटा और सारे टेस्ट वाला गन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे इडली, सांवर, बड़ा किसी में भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और स्पॉट इडली के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम उसमें और किसी मसाले का यूज नहीं करते। आप इस पाउडर को बनाकर रख सकते हैं, ये 40-45 दिन तक खराब नहीं होता, लेकिन आप उसके बाद इसे फ्रीज में रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें चने की, उड़द की दाल डाली है, चावल डाले हैं। और अगर आप यही रेसिपी इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल माहेश्वरी रसोई इंग्लिश को विजिट कर सकते हैं। ये स्पेशली स्पॉट इडली के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप स्पॉट इडली देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस गन पाउडर की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें।
रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं।